बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। शनि की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं या आपके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों की वजह से या जिन स्थितियों की वजह से आपको धन के लिए काफी मुश्किल होती है और धन की हानि हो जाती है। जैसे अगर शनि कुंडली के अशुभ भावों में हो, अगर शनि कुंडली के उन हाउसेस में हो जहां से वो निगेटिविटी पैदा कर सकता हो, जहां से वो नकारात्मकता पैदा कर सकता हो, तो धन की हानि आपको अवश्य होगी। अगर शनि नीच राशि में हो तो ऐसा शनि भी धन की हानि करवाता है, हो सकता है पैसा दे देता हो लेकिन धन की हानि जरूर करवाता है। अगर शनि सूर्य के साथ हो तो भी धन प्राप्त करने में कठिनाई बहुत होती है और बहुत मुश्किलों के बाद ही व्यक्ति को धन मिल पाता है। अगर कुंडली में शनि आपका अनुकूल ना हो, शनि आपका फेवरेबल ना हो और शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी धन को लेकर मुश्किलें बहुत होती हैं, धन को लेकर कठिनाइयां बहुत रहती हैं। अगर बिना सही निर्णय के आपने नीलम पहन लिया, आपको नीलम सूट नहीं करता है, आपके लिए सूटेबल रत्न नहीं है और आपने नीलम पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि की वजह से धन का नुकसान होने लगता है। जिन लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी कुंडली का शनि बिगड़ जाता है और ऐसे लोग जिनकी कुंडली का शनि बिगड़ जाता है, याद रखिए उनको धन प्राप्त करने में कठिनाई उठानी पड़ती है। तो सबसे जरूरी यह है कि आप अपना आचरण और अपना व्यवहार बेहतर रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, इससे आपकी कुंडली का शनि बेहतर होगा और अगर शनि बेहतर होगा तो सामान्यतः आपको धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। देखिए, अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, अगर शनि कुंडली में फेवरेबल जगह पर बैठे हों, तीसरे भाव में, छठवें भाव में या ग्यारहवें भाव में हों, त्रिषडाय में हों, तो ऐसी स्थिति शनि की बेहतर मानी जाती है। मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन उस मेहनत की वजह से व्यक्ति को धन भी मिलता है। अगर शनि कुंडली में उच्च का हो या अपने घर में बैठा हुआ हो तो ऐसा शनि भी व्यक्ति को धन देता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है। अगर शनि विशेष अनुकूल हो, शनि कुंडली में बहुत अच्छा हो, शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो या ढैया चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन का लाभ होता है, धन संबंधी मुश्किलें व्यक्ति की दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका आहार सात्विक हो, आहार अच्छा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति पर उसके माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद हो तो ऐसी स्थिति में भी शनि कृपा करते हैं व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति को आसानी से धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त हो तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो शनि के गुरु हैं और भगवान कृष्ण की शनिदेव पूजा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त होता है तो ये माना जाता है कि उसके ऊपर शनि की कृपा रहेगी और सामान्यतः उसको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा।